चलिए आगे बढ़ते रुक करेंगे कुछ और खबरों का। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछले हफ्ते की सख्त सुनवाई के बाद केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स समेत 40 उड़न दस्तों का गठन किया था, जिस पर आज कोर्ट मामले में हुई कार्रवाई पर रिपोर्ट लेगा। इसी के साथ अदालत आज दिल्ली और आसपास के इलाकों से निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाने पर भी विचार कर सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए गैर जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का आदेश भी दिया था। कि कोर्ट ने बीती सुनवाई में इस बात पर असंतोष जताया था कि एनसीआर में होने वाले प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले साल जो आयोग बनाया था वो सफल नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आयोग के पास अपने निर्देशों को लागू करवाने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है। चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत के बेंच ने यह संकेत दिया था कि वो अपनी तरफ से एक टास्क फोर्स का गठन करेगी, साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि उड़न दस्ते भी बनाए जाएंगे। हालांकि कोर्ट की सुनवाई होने से पहले केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल कर दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लिया था। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण से लड़ने के गंभीर प्रयास नहीं कर रही, उसका पूरा जोर सिर्फ अपने प्रचार पर है। कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों को खोले जाने पर भी सवाल खड़ा किया था। वहीं दिल्ली सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जजों को यह बताया कि दिल्ली में स्कूल खोलने का निर्णय किस वजह से लिया गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मीडिया में देखा है कि हमें ऐसे खलनायक की तरह दिखाया जा रहा है जो दिल्ली के बच्चों को स्कूल बंद करवा देना चाहता है, जबकि हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे। सिंघवी ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि जजों ने स्कूल बंद करने का आदेश नहीं दिया था, सिर्फ सवाल पूछे थे, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया था और स्कूल बंद कर दिए थे। आज एक बार फिर से प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। निर्माण कार्य एक बार फिर से चालू करने को लेकर चर्चा हो सकती है, फैसला सुनाया जा सकता है। इसके अलावा क्या क्या कार्य राज्य सरकारों ने किए हैं, केंद्र सरकार ने क्या किया है प्रदूषण कम करने को लेकर, इस पर भी निगाहें बनी रहेंगी।